31 मई साल 1911 को टाइटैनिक जहाज पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे बड़ा भाप से चलने वाला यात्री जहाज था। इस जहाज ने अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा न्यूयॉर्क शहर के लिए शुरू की। 4 दिन की यात्रा के बाद 15 अप्रैल 1912 को रात के अंधेरे में टाइटैनिक समुद्र में तैरते विशाल हिमखंड से टकराया। टकराने के लगभग 2 घंटे बाद ही यह समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक पर उस समय लगभग 2,200 यात्री सवार थे, जिसमें से 1,500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस भीषण हादसे में 500 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकी। टाइटैनिक को उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों ने डिजाइन किया था और इसके निर्माण में उस समय की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इतिहास के पन्नों में यह हादसा सबसे भीषण जहाज दुर्घटनाओं में से एक है। साल 1997 में जेम्स कैमरन के निर्देशन और लियोनार्डो डिकैप्रियो व कैट विंसलेट अभिनीत इस विशालकाय और आलिशान जहाज पर बनी फिल्म टाइटैनिक को खूब सराहा गया। 31 मई साल 1981 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने उपग्रह RSD-1 का प्रक्षेपण किया। इस उपग्रह को ध्रुवी प्रक्षेपण यान PSLV-3 रॉकेट की मदद से प्रक्षेपित किया गया। 38 किलो वजनी RSD-1 उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया गया। यह उपग्रह सफलतापूर्वक 9 दिनों तक कक्षा में रहा। यह उपग्रह सुदूर संवेदन अनुप्रयोगों के लिए अपने साथ एक कैमरा लेके गया था।